जय हिंद एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आप लोगों की आने वाली है, जिसकी वर्दी पाने के लिए आप लोग आज से ही तैयारी शुरू करते हैं। आने वाले 4 से 5 महीनों में आपको इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और लाखों की इस भीड़ में से एक सीट अगर आपको लेनी है तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बेस्ट तरीका बताऊंगी, बेस्ट रास्ता बताऊंगी, अच्छा तरीके से गाइड करूंगी, ताकि आप लोग एक प्रॉपर वे में अपनी तैयारी कर पाए। फिर आप लोग का एग्जाम भी निकलेगा, फिजिकल भी निकलेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। और देखिए, पिछले 2 से 3 महीने में जो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अगस्त में निकाल रहे थे, तो शायद अब वो लोग भी थोड़ा सा शांत हो गए होंगे। शांत तो क्या ही हुए होंगे, लेकिन जब मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में ऑथेंटिक जानकारी दी थी, वो भी जब तक जब मैंने उस चीज को कन्फर्म नहीं कर लिया, तो मेरी उस वीडियो के बाद तो खैर काफी सारे लोगों ने उस पर वीडियो बना दी थी। लेकिन कोई बात नहीं, जानकारी आपको कहीं से भी मिले लेकिन उसमें सत्यता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं भी अभी एक स्ट्रगलिंग एस्पिरेंट ही हूँ, इसलिए मुझे आपके समय और भावनाओं की कद्र रहती है। मेरा काम होता है कि आपको प्रिपरेशन के दौरान सही रास्ता दिखाना, ताकि समय रहते आप अपना बेशकीमती समय वहां दे सके जहां पर आप लोगों को एक सरकारी नौकरी मिलने वाली हो। तो आ जाते हैं हम इसी सरकारी नौकरी पर, मतलब कि दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक कॉन्फिडेंशियल जानकारी दी थी कि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 3000 वैकेंसी आने वाली है, वहीं आप लोगों की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मतलब कि एससीएम की 464 वैकेंसी आने वाली है। अभी बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने ये कहां से और कैसे पता लगाया, तो देखिए मैं भी इस डिपार्टमेंट का हिस्सा हूं जिसकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूं, तो हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को केवल वो महत्वपूर्ण जानकारी दी थी जिसको जानकर आप लोग पहले से ही इसकी तैयारी में लग जाए। आने के बाद तो सभी ऑलमोस्ट इसकी तैयारी में लग जाते हैं, तब इसका कंपटीशन काफी हाई लेवल का हो जाता है, साथ में टाइम कम होने की वजह से हम अपने मेन एग्जाम में अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले एक आरटीआई का रिप्लाई आया था जिसमें दिल्ली पुलिस की अलग अलग पोस्ट जैसे कि ड्राइवर, एमटीएस, एडब्ल्यूटीपीओ, कांस्टेबल, एससीएम, इनकी वैकेंसी के बारे में बताया गया था, और साथ में एसएससी और दिल्ली पुलिस के बीच में इन वैकेंसी को लेकर एमओयू भी साइन हो चुका है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में बता देती हूँ कि वो आप लोगों की कब तक आने की उम्मीद है। देखिए, इनकी वैकेंसी में आप लोगों का काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये कि अभी ही इनकी भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, जो कि केवल और केवल ड्राइवर पोस्ट के लिए ही थी। अब देखिए, जो इनकी रिक्वायरमेंट थी ड्राइवर्स की, तो वो तो यहाँ से इनकी कंप्लीट हो चुकी है, कि अगर अब इनको रिक्वायरमेंट होती भी है डिपार्टमेंट में, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल एग्जीक्यूटिव है तो वहां से वो इनको ले लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल के लिए लाइसेंस कंपल्सरी होता है। और देखिए, डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि अगर आप लोग मेल हैं और जनरल ड्यूटी कर रहे हैं, और अगर आप लोग ड्राइवर की ड्यूटी करना चाहते हैं, या फिर डिपार्टमेंट को खुद को रिक्वायरमेंट होती है ड्राइवर्स की और भी ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, जनरल ड्यूटी से वहां का स्टाफ ले लेते हैं, जिसकी वजह से लगभग ड्राइवर की पूर्ति हो जाती है। आप लोगों की ड्राइवर की जो वैकेंसी है तो वो आप लोगों को देखने को तो मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, तो देखिए इसके बारे में अभी आप लोगों को कोई भी ऑथेंटिक नहीं बता सकता, इसलिए ये वाली वैकेंसी तो आप लोगों की लंबी खिंचने वाली है। लेकिन हाँ, इस साल के एंड या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दिल्ली पुलिस के पद पर, तो वो आप लोगों की कांस्टेबल की ही मिलेगी। अब आ जाते हैं हम लोग एससीएम, एडब्ल्यूटीपीओ और एमटीएस की वैकेंसी की, ये की वैकेंसी कब तक आ सकती है उसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में बता देती हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन का रास्ता 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहला आप लोगों का एग्जाम होता है, जो कि ऑनलाइन सीबीटी करवाया जाता है, जिसमें आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 90 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/4 रहती है। अब इसमें आप लोगों के 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कंप्यूटर आप लोगों से 10 नंबर का, रीजनिंग आप लोगों से 25 नंबर की, जीएस 50 नंबर की, और मैथ्स आप लोगों से 15 नंबर की पूछी जाती है। मतलब कि कंप्लीटली आप लोगों का जो सिलेक्शन डिसाइड करता है 50% तो वो करता है जीएस। उसके बाद आप लोगों को सेकेंड स्टेज से गुजरना होता है, जो कि होती है फिजिकल की, जिसमें मेल के लिए लाइसेंस कंपलसरी होता है। इसमें मेल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का 1600 मीटर रनिंग मांगी जाती है, जो कि मेल को 6 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। वहीं लॉन्ग जंप इनको 14 फीट करना होता है, वहीं इनको हाई जंप 3.9 फीट करना होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फीमेल की, जिनके लिए लाइसेंस कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। फीमेल के लिए आप लोगों की 1600 मीटर रनिंग होती है, जो कि आप लोगों को 8 मिनट में करनी होती है। इसमें
जिसमें 10 फीट आप लोगों का लॉन्ग जंप और 3 फीट आप लोगों को हाई जंप करनी होती है। फिजिकल आप लोगों का केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप लोगों की जो मेरिट बनती है तो वो आप लोगों के सीबीटी मतलब की जो ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसके बेस पर ही बनती है। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों का करवा लिया जाता है। देखिए लाखों की भीड़ इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दोबारा से फॉर्म फिल करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, जहां पर आप लोगों को सारी सुविधाओं के साथ साथ एक अच्छी सैलरी भी दी जाती है। जो मैंने आप लोगों को कांस्टेबल पद की वैकेंसी बताई थी जो कि 3000 मैंने आप लोगों को बताई थी, तो देखिए ये आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप लोगों की बिल्कुल सच है। तो नोटिफिकेशन आप लोगों को लगभग आज से 5 से 6 महीने बाद ही देखने को मिलेगा। देखिए इस बीच अगर आप लोगों का नोटिफिकेशन थोड़ा सा और भी डिले होता है, क्योंकि आपको पता है डिपार्टमेंट में कोई भी चीजें फिक्स नहीं होती है, तो उस बीच आप लोगों की जो वैकेंट सीट है तो वो भी आप लोगों की 3000 में एड होती चली जाएंगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जॉब कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में अभी और किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जो लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, जिनका किसी अदर एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, तो उनकी जो सीट बचती है तो उनका भी ब्यौरा उसमें ऐड किया जाता है। और वैकेंसी का नोटिफिकेशन फाइनल करवाने से पहले SSC द्वारा डिपार्टमेंट को वापस से वैकेंट सीट या फिर नोटिफिकेशन का रिव्यू करवाया जाता है। तब डिपार्टमेंट के पास अगर 1000, 1500, 2000 वैकेंसी भी वैकेंट है तो वो भी उसमें ऐड करवा दी जाती है। वैकेंसी है आप लोगों की, ये बढ़ भी सकती है, बाकी आप लोगों की किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी आप लोगों की नोटिफिकेशन आने में भी 5 से 6 महीने लग जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग SCM मतलब की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, वही AWO TPO मतलब की असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। इन दोनों वैकेंसी में से इंटरनली जो मैंने कंफर्म करी थी आप लोगों की वैकेंसी के लिए, तो वो थी आप लोगों की SCM जो कि आप लोगों के अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो दैट इज 464। लिटरली मैं आप लोगों को बता दूं कि MTS और AWTPO की अभी तक कोई सी भी वैकेंसी का अप्रूवल नहीं मिला है कि कितनी इनकी वैकेंसी आनी है, अप्रूव हुई भी है या नहीं हुई है। ये था आप लोगों का नंबर ऑफ वैकेंसी का सिनेरियो। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से RTI के रिप्लाई में, जिसमें SSC और दिल्ली पुलिस के बीच में इन दोनों वैकेंसी AWO और MTS का MOU ऑलरेडी साइंड है। एक्चुअली होता यह है कि जब भी डिपार्टमेंट द्वारा SSC को वैकेंसी का ब्यौरा दिया जाता है, समय वैकेंट सीट या फिर रिक्वायर्ड सीट, ध्यान से सुनना, इन दोनों ही कंडीशन में ऑन पेपर चीजें साइन होती है कि अभी AWO TPO और MTS की वैकेंट सीट पर काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हाँ ये चीज कंफर्म है कि SCM और AWTPO की वैकेंसी आप लोगों को लगभग एक साथ देखने को मिलेगी। इसमें अगर AWTPO का वैकेंसी का कंफर्म होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, बाकी उम्मीद है कि आप लोगों की जो SCM की वैकेंसी है तो आप लोगों का जब नोटिफिकेशन आएगा इनका तो 20 से 25 वैकेंसी शायद आप लोगों को बढ़कर देखने को भी मिल जाए। इसलिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले अभी बिल्कुल सीरियस होकर अपनी पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस बार आप लोगों की 50 लाख तक फॉर्म टच कर जाएंगे। बाकी मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आप लोगों का चाहे नोटिफिकेशन आपको 1 से 2 महीने डिले हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों की इंक्रीज होनी चाहिए। लगभग कम से कम 5000 तो वैकेंसी आप लोगों की होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिलेक्शन नौकरी मिल पाए। रही बात MTS की वैकेंसी की, तो देखिए वो भी आप लोगों को सेपरेट ही देखने को मिलेगी, लेकिन 2025 आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां पर आप लोगों को दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में आप लोगों को अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत जल्द मैं आप लोगों की दिल्ली पुलिस में किस तरीके से सिलेक्शन लिया जा सकता है एक ही बार में, तो उसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर सके, ताकि जिन्होंने अभी 12th क्लियर किया है तो वो लोग आज से इसके प्रिपरेशन शुरू कर दें। बाकी अगर आप लोगों की और कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।